से लीलाधर हो गए महादेव। आपने क्यों अपनी पहचान छुपा ली हम सब से? पार्वती, पहचान ना छुपाता तो तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाती। पार्वती, कौन सी इच्छा अधूरी रह जाती? मेरे गृहस्थ जीवन को अनुभव करने की इच्छा। तुम्हारी यही इच्छा थी ना पार्वती, कि मैं मातृत्व को समझूं, परिवार को जानूं, संस्कार को सीखूं, निर्वाण भिक्षा का प्रस्ताव तुम्हारी इच्छा का परिणाम है। हाँ, क्योंकि गृहस्थी के मूल्यों का ज्ञान था मुझे, परिवार की परिभाषा जानती थी मैं, और अपनी आने वाली संतान की सुरक्षा समझती थी। किंतु आप इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे महादेव। यदि आप इन सभी बातों का महत्व समझते तो आप कभी भी भवन देकर एक क्षण में उसे नहीं छीनते। मेरी इच्छाओं का मृत होना ही कारण था इस शर्त के जन्म का। परंतु मुझे क्या पता था महादेव कि मेरी इच्छाओं को पूर्ण और स्वयं को परिपूर्ण करने हेतु आप इस प्रकार मुझसे इतने दूर चले जाएंगे? इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना मानवीय दुर्बलता है पार्वती। कल्पना से कर्म निर्धारित होता है, नियति नहीं। और तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु मैं उसी कर्म पथ पर अग्रसर हूं, और मेरी यह नव यात्रा ही हमारी गृहस्थी को पूर्णता प्रदान करेगी। शिव, नारायण और देव, अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया गुरुकुल में प्रारंभ हो उससे पहले आप तीनों का भाषा बोध होना आवश्यक है। देवी, देव और नारायण ने पहला अक्षर अ लिख लिया है। शिव, तूने क्या लिखा? शिव, हम माँ, मैंने ये लिखा। शिव, तूने आ के स्थान पर ओम फूलवश लिखा ना?
आत्मा सारे अक्षरों और भाषाओं का स्रोत ओम ही तो है। ओम से ही सब जन्म लेता है। ब्रह्म की उपस्थिति का नाद है ओम। ओम ही तो सर्वव्यापी है, इसलिए मैंने ओम ही लिख लिया माँ। शिव सच है। ओम के इस महासत्य को जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, किंतु पुत्र हमारे दैनिक और सामाजिक जीवन में हमें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करने होते हैं। प्रणाम आचार्य। प्रणाम ऋषिवर। शिव, पिता की व्यवहार संबंधी बातों को समझने का प्रयास कर, मैं अभी आती हूं। आप जानते हैं प्रभु, मैं विवश हूँ, परंतु मैं पशु होकर पशुपति नाथ पर आक्रमण कैसे कर सकती हूँ? जब स्वयं पशुपतिनाथ मेरे शिशुओं का दायित्व ले रहे हैं, तो मुझे मेरे इस शरीर से मुक्त करें प्रभु, मुझे मुक्ति प्रदान करें।
निधान।